यस बेटा, फिर से रिपीट करते हैं। इंटीग्रल का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ओवर, ट्रिक क्या है? डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? किसका डेरिवेटिव है? इंटीग्रल का मतलब ये। तो बेटा एक्स पावर एन है, इसका इंटीग्रल होगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस ढंग से सोचना कि किसका डेरिवेटिव है, बड़ा टिपिकल काम हो जाएगा। तो क्या करना है, फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, जैसे डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला था एक्स पावर एन का इंटीग्रल, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल में भी एक्स पावर एन इंटीग्रल, पावर एक बढ़ाएंगे उसी से डिवाइड प्लस सी। प्रूफ, इसका आप डेरिवेटिव लेके देखेंगे तो x पावर n आएगा। डेरिवेटिव कैसे, 1 ओवर n प्लस 1 तो अलग, n प्लस 1 डाउन, xn प्लस 0 तो xn आ गया। x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, x का x स्क्वायर बाय 2, रूट x का पावर 1 बाय 2 है, 3 बाय 2 और 3 बाय 2, 1 x पावर 0, x पावर 1 बाय 1 प्लस 3, ये भी सोच सकते हैं 1 किसका डेरिवेटिव है। काफी बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, 1 का इंटीग्रल 0 लिखने की कोशिश करते हैं, तो नॉन कंफ्यूजन ट्रिक क्या है, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, 1 बाय x स्क्वायर है तो x पावर माइनस 2 लिख दिया, पावर एक इंक्रीज, x पावर माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 1 बाय x प्लस c। अभी कोई डाउट? अब बेटा ऑडियो क्लियर है क्या बेटे सबको, ऑडियो वीडियो? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटा, जो बोर्ड पे लिखे हैं बेटा 1 2 3 4 5 फर्स्ट रिजल्ट के एग्जांपल, इसमें कोई डाउट? 1 2 3 4 5 में कोई डाउट? तो एक्स की कोई भी पावर है। हाँ जी बेटा, सेकंड से रिपीट कर दो सर। नंबर बोलिए, सेकंड से सर। तो बेटा x की कोई भी पावर है, पावर बढ़ा देंगे उसी से, x क्यूब बाय 3, x पावर 1, x बाय 2, रूट x है तो x पावर 3 बाय 2 डिवाइड, 1 है तो x पावर 0, पावर 1 इंक्रीज से डिवाइड, 1 बाय x स्क्वायर है तो x पावर माइनस, पावर 1 बढ़े उसी से डिवाइड, माइनस 1 बाय x c। अब 1 बाय x इसको क्या देखे, तो प्रूफ है, कोई जरूरत नहीं है की जरूरत है। एक्स इसको कैसे कैसे करेंगे सर? प्लस सी आर किसी में लिखेंगे सर? अगर आप इस एक्स पावर माइनस वन लिए हैं तो आंसर आ गया पावर एक इंक्रीज से सेकंड प्लस सी, जो कि गलत है। जीरो तो भी फाइन है। तो 1 बाय x के बारे में क्या सोचना है, 1 बाय x डेरिवेटिव ओवर, किसका डेरिवेटिव? लॉग x, लॉग मोड x लिखेंगे। तो ये दूसरा रेंज हो गया, इसको पावर n से करेंगे तो 1 बाय x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 बाय x का इंटीग्रल सेकंड और फर्स्ट x से का। लॉग ऑन x लिखेंगे, लॉग पॉजिटिव डिफाइन हो है, डेरिवेटिव तो लॉग x दिया होता था, तो आगे चलते थे पॉजिटिव में लॉग ऑन x प्लस लिखना है। फर्स्ट स्टेज में कितना आइंस्टाइन क्या चाहे आइंस्टाइन में 2 मिनट में कर देते हैं, x पावर 10 इंटीग्रल पावर 1 की डिग्री से डिवाइड, 1 बाय x का डेरिवेटिव log x। तो 1 बाय x है, x पावर माइनस 1 ये लिखना, तो एक डेरिवेटिव बन गया। फिर भी जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी पावर माइनस 1 कभी नहीं ही नहीं है। यहाँ क्या करें, यहाँ पर माइनस 1 लिखो, पावर इंक्रीज हुआ, तो जिसको इंटीग्रल ले उसकी पावर माइनस 1 लिखना, जिस फंक्शन इंटीग्रेट कर, तो वैसा सोचना है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट,
इसमें फोर्स पावर की भी पॉइंट नहीं है, डेरिवेटिव होता था सिग्नल ब्रैकेट पावर है, इसमें ब्रैकेट में बल एक्स होना चाहिए, ये डी वन बाय एक्स होल डिवाइड कर देंगे, ये डी वन बाय एक्स होल डिवाइड बाय कर देंगे, हमें तो एक्स की पावर का है ही, ये तो बल एक्स की पावर होगी, तो इंटीग्रल मींस डेरिवेटिव ओवर वन एक्स, किसका डेरिवेटिव है लॉग एक्स। थर्ड एलिमेंट कॉन्स्टेंट फॉर एक्स, इसका आंसर एज इट इज जो लिखा हुआ लिख दो डिवाइड लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट, एज इट इज ए पावर एक्स लोग बनाने लोग नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल टू पावर एक्स है, इसके इंटीग्रल एज इज जो था वो लिख दो डिवाइड लॉग ऑफ टू, पावर एक्स एज इट इज डिवाइड लॉग ई, लॉग ई वन होता है, और लॉग वन जीरो होता है। थर्ड का के लिए कैसे ई किसका डेरिवेटिव है एक्स का ही, इसका डेरिवेटिव है ई एक्स का, एज इज डिवाइड बाय लॉग ऑफ कांस्टेंट। कोई डाउट तो पूछे मोस्ट हेल्पफुल होगी, कोई डाउट तीन रिज बताए अभी तो रिजल्ट बताए आपको, ये फोर्थ पॉइंट फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन्स इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स, आंसर जहां को आया आंसर उसमें कोस जहां को आता आंसर जहां को आया वहां नेगेटिव कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, अभी तो बोर्ड पे चार लिखे चार पॉइंट आपको पहले पूछे आप अभी जो चार सीख रहे हैं इसको डाउट में तो से आप जो फोर रिजल्ट लिखे हैं और पे इसमें डाउट है तो बोलो
देखिए अभी चार इधर इंटीग्रल मींस डेरिवेटिव ऊपर एक्स पर एन में पावर एक बढ़ाएंगे उसे डिवाइड वन बाय में एक्स पावर माइनस वन भी लिखेंगे पावर माइनस वन भी लिखा जिसको इंटीग्रेट में वन बाय एक्स का डेरिवेटिव है दो एक्स का ए पावर एक्स का इट इज लॉग से ई पावर एक्स किसका डेरिवेटिव है ये हर एक ही फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल खुद ही है एक्स साइन इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल साइन एक्स फिर देखिए हम अदर ट्रिक देखिए इसमें साइन एफएक्स कोएफिशिएंट नहीं है ये नहीं है कि कॉस एफएक्स और एक्स का इंटीग्रल से डेरिवेटिव है ऐसा नहीं है गियर्स नहीं है से एनीथिंग का कोएड थिंग है देखो ट्रिक है आर फॉर्मूले जितने फॉर्मूले अभी तक बताए गए हैं आगे बताए गए जितने फॉर्मूले एक्स कहेंगे लीनियर एक्स आ जाएगा जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उनमें ऐसी जगह लीनियर इंडेक्स आ जाए लीनियर इंडेक्स का क्या मतलब है क्वाड्रेटिक नहीं एक्स प्लस एक्स के टू एक्स प्लस क्या है इससे देन आसो रिजल्ट ट्रू तब भी रिजल्ट ट्रू है बट डिवाइड कोफिशिएंट लेकिन इसके कोफिशिएंट से डिवाइड डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो पहला रिजल्ट पावर है एक्स की जगह मानो ए प्लस बी आ गया एक्स की जगह क्या आ गया उस रिजल्ट में ए एक्स प्लस बी पर एन 3x minus 5 power 100 तब भी n same रहेगा यानी क्या आएगा power बढ़ाएंगे उसी divide करके divide by coefficient of x plus for example इंटीग्रल 3x माइनस 7 पावर 100 x पर 100 का है ऐसे में लीनियर एक्स है तब भी आंसर आता है 3x माइनस 7 पर 101 डिवाइड बाय 101 लेकिन ऐसे कोफिशिएंट से डिवाइड करें डाउट समाउट बोलो तो जितने भी फॉर्मूले हैं एक्स के लीनियर ही सारे तब भी रिजल्ट्स में लेकिन एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड है मान लो अगर था 3x के माइनस 7 पावर 100 इसका आंसर यही था कि 3x के माइनस 7 पावर 101 डिवाइड बाय 101 डिवाइड बाय 3 इसका आंसर हमें क्वाड्रेटिक का बोल ये है कि साइन का इंटीग्रल मुझे आप मुझ तरीके से क्यों बोल रहे हो बोला जिसकी पावर ना आपको दिखाई देती पावर एक बढ़ा दो उसे से डिवाइड कर दो प्लस इस बॉक्स पावर की कोई ट्रिक नहीं है फॉर्मूले में क्या एक्स पावर एन होता है 7 ये 8th और जो एक्सप्रेंट 9th नंबर एक्सप्रेंट किया है ये तो एक ही पावर का पीस सबके मार्क्स
कोई फंक्शन होता है पावर इंक्रीज तो उसी से डिवाइड तो है रही है बजरे बेटा जो इस पावर एन है इस बॉक्स में क्या होता है इस बॉक्स में पावर इंक्रीज करेंगे ये कुछ भी हो सकता है डेरिवेटिव करेंगे एन की पावर एन डब्बे में कुछ हो सकता है भाई तब भी हो रहा है नहीं इस डब्बे में क्या हो रहा है अलाउड एक्स या लीड एक्स और कुछ नहीं होगा इस यार तो ऐसा होगा डिग्री एक्स ये तो वन एक्स का भी का वन बाय एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय वन के वन बाय एक्स इसका क्या होगा इसकी जगह लीड एक्स होगा तो बेटा और ए एक्स बी लो ए एक्स बी बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट वर्क्स का लॉग है ना अपने इनेक्स के कोफिशिएंट डिवाइड फॉर एग्जांपल 1 ओवर 3 माइनस 7 एक्स है तो वो 3 माइनस 7 एक्स डिवाइड बाय माइनस 7 प्लस बट 3 माइनस 7 एक्स है इसका बता इसका नहीं होगा इन लोगों 3 माइनस 1 एक्स लिख देंगे गलत है हमें तो x के जरिए लिनियर सब है ax नहीं होना चाहिए कोई डाउट समझ रहे हैं बेटा x के केवल लिनियर x हो सकता है sin x का इंटीग्रल पता है हमें sin x का इंटीग्रल पता है हमने फोर्थ रिजल्ट टोटल चार्ज होते हैं लेक्चर में फर्स्ट बताया पावर एन का सेकंड बताया वाई एक्स का थर्ड बताया ए पावर एक्स का फोर्थ बताया साइन ए का और फोर एक्स का अभी ये चार रिजल्ट बताएंगे आज लेक्चर के सामने इधर चार साइंस का होता है माइनस कोस एक्स x की जगह लीनियर x आ सकता है 2x प्लस 2x प्लस 8 क्या होगा माइनस 4 2x प्लस 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x प्लस x की जगह लीनियर इन x हो सकता है 7 माइनस 100 x तो होगा माइनस 4 7 माइनस 100 x but given by coefficient of x plus c. x is an area in x of that. Sin of 2x ka ye bhi nahi hai. Ye 2 into x plus 0. x ki power bhi to hai. Minus cos 2 by 2. x is an area in x of that. Sin x by 2. Minus cos x by 2. But divided by coefficient of x. For example, the body example a part, for example b part, for example c part, for example d part. अब चार हैं. लेकिन for example b part अगोता sin of 2x plus 3. इसका आंसर में नहीं पड़ा इसका आंसर ये नहीं होता माइनस कोस एक्स प्लस थ्री क्यों ऐसी जगह तो केवल लीनियर इन एक्स सकता है ये तो ऑलरेडी आ गया अभी आपको कोई डाउट पूछिए बेटा आराम से कीजिए और पूछिए अभी चार रिजल्ट आए गए बेटा कोई डाउट
एक्सेस के क्वेश्चन दे बेटा, चार चीज बताए गए हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। कोई डाउट है सीडी? और वन देखें, इंटीग्रल साइन 2x जीरो से और स्क्वायर पिक कर भी कर रहे हैं माइनस cos x बाय 2 पता लग बेटा साइन 2x का साइन x पता है इसमें x की जगह लीडिंग x आ गया ऑप्शन से cos 3x cos x का पता है पता है cos x इंटीग्रल sin x x की जगह लीनियर इन x प्लस थर्ड ई एक्स पता में ई एक्स इंटीग्रल होता है बेटा ई एक्स एक्स की जगह कुछ और हो सकता है लीनियर ही नहीं तो लीनियर ही है तो एज इज डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी तक आपको 7.1 के रिजल्ट्स बताए एक्स पावर का इंटीग्रल, दूसरा होता है वन ओवर एक्स इंटीग्रल, थर्ड बताया अभी आपको ए पावर एक्स इंटीग्रल, फोर्थ बताया साइन एक्स इंटीग्रल और कॉस एक्स इंटीग्रल। ट्रिक बताई है इन सभी फॉर्मूलों में एक्स की जगह लीनियर इन एक्स होता है और बाय बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिफ्थ, अगर प्लस माइनस है इनटू डिवीजन नहीं, प्रोडक्ट और इंटीग्रल इसमें है ही प्रोडक्ट उस क्वेश्चन के ऑप्शन का प्लस माइनस है तो अलग अलग करते हैं पहले का अलग दूसरा अलग इनटू या डिवीजन नहीं कांस्टेंट है एक्स तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तीन ऑप्शन पर डाउट और रब कर रहे हैं फोर नंबर और पर ax b होल dx x स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है x की जगह लीनियर x हो सकता है तो इसमें x की जगह लीनियर x ही है तो क्या कहता है पावर एक बड़ो उसी से डिवाइड बट एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड। कोई डाउट? सिक्स क्वेश्चन फोर ए टू एक्स तो बी का प्लस आ रहा है इस प्लस को अलग अलग करते हैं कैसे फोर ए टू एक्स का इंटीग्रल and one integral plus minus में अलग कर सकते हैं as x तो bracket four को आ लिया हो coefficient a plus का a x but a y coefficient of x बार बार सीखने की जरूरत नहीं अभी constant अभी constant तो दो constant का plus समझ के constant और last में कर दो और का x plus e बताने को तो इसका आंसर ये होगा कि पावर एक बढ़ाओ कुछ
जो पाव में बढ़ाने के, तो इस बॉक्स में वन क्या है, या तो एक्स लीनियर इन एक्स, एक्स लीनियर इन एक्स, जो एक्स होता है या लीनियर इन एक्स होता है। एक्स होगा या लीनियर एक्स, ये तो नेगेटिव फार्मूला बेटा, कोई क्वेश्चन होता सेक्स होल्ड बाय 2 तो क्या करेंगे, पावर रिमूव करेंगे और स्क्वायर कर लो, पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर माइनस 2a, पहला आंसर x बाय 2, दूसरे का आंसर log x, तीसरे का आंसर 2x प्लस c। छेदर्स हैं x पावर n बाय x, a पावर x साइन cos x, x की जगह लेकर x प्लस माइनस में अलग कांस्टेंट पर। किसी बच्चे को बात पूछ तो पूछ सकता है, कोई बात आप पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप। तो बट कोई बात किसी को और कोई बात नहीं तो बोलिए, तो काफी सुन लेंगे। अभी आपको दो क्वेश्चन ट्राई करने के, और 10 क्वेश्चन फर्स्ट साइज के, 6 रिजल्ट आए गए हैं। रिकॉर्डेड वीडियो देखना है आपको, लिंक भेजा रहा है, रिकॉर्ड वीडियो भी देखिए। कल डाउट्स के बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद उसका टेस्ट होगा, 7th 8th 9th एक अलग से पैकेज, इसे 20 मार्क्स, 7th आएगा तभी 8th, 7th आएगा 9th, ठीक है बेटे, थैंक यू। कल 16 पर हम बेटे।